हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज वी आर कंटिन्यूइंग आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। दीज आर बेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ मास। सो बच्चो, लेट अस कंसिडर दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। Two bodies of masses 1 kg and 2 kg are located at 1, 2 and -1, 3. They coordinates हैं इसके। दो bodies जो जिनका masses है 1 kilogram and 2 kilogram, उनको locate किया गया है at in the two particle system में। दो bodies हैं जिनके masses है 1 kg और 2 kg, they have been located at points 1, 2 and -1, 3 रेस्पेक्टिवली। तो वी हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास है उसका हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वो सेंटर ऑफ मास जहाँ पर भी उनका है, उनका हमने निकालना है कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दो बॉडीज है जिसका मास 1 kg और 2 kg है, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y2, x है 1, y है 2, दूसरा का है -1, y है 3। इसको हम ट्रीट करेंगे x1 y1, x2 y2। ये कोऑर्डिनेट्स हैं टू बॉडीज ऑफ मासेज इन 1 kg एंड 2 kg, जिनको लोकेट किया गया एट दीज पॉइंट्स। तो हमने बताना है कि टू पार्टिकल सिस्टम में इनका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। सो बच्चो, लेट अस टेक द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मास वन है बराबर 1 kg, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी 1 kg है, मास ऑफ द सेकंड बॉडी है 2 kg, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं। जैसे मैंने बोला x1 है, y1 2 है, इसी तरह x2 -1 है, y2 3 है। ये तो हम करते हैं, चलो हम मानते हैं, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। दो बॉडी जिनका मास 1 kg और 2 kg है, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, दे हैव बिन लोकेटेड एट 1, 2 एंड -1, 3। ये उनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू, x2 इज इक्वल -1 एंड y2 इज इक्वल 3। ये दो बॉडीज़ के कोऑर्डिनेट्स हैं। हम आते हैं, हमने निकालना है सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम मानते हैं, चलो लेट अस कंसिडर, लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम करेंगे, यहाँ पर हम एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। एक्स को कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज़ द फार्मूला। ये हमने पहले टू पार्टिकल सिस्टम में हमने रिलेशन निकाला है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, दैट इज़ गिवन बाई m1, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इन टू पार्टिकल सिस्टम है, दैट इज गिवन बाई x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर m1 m2 x1 x2 के वैल्यूज़ हम दे देंगे। ये ऊपर से यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है, ये x कोऑर्डिनेट हम निकालने हैं। तो हम x1 x2 और m1 m2 का वैल्यू दे देंगे। यहाँ पर वो x कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, बराबर m1 बराबर है 1 kg, x1 बराबर है 1, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया है x1 1 बराबर है, बनेगा 1 × 1, प्लस m2 जो मास ऑफ द सेकंड बॉडी है वो 2 kg है, इंटू x2, तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड बॉडी है वो -1 है। सो x1 x2 का वैल्यू हमने यहाँ से दिया, x1 और x2 का वैल्यू और m1 और m2 का वैल्यू हमने यहाँ पर दे दिया। यहाँ से निकलेगा हमें x कोऑर्डिनेट, वो निकलेगा बराबर 1 × 1 हो गया 1, प्लस माइनस 2, वो 1 - 2 डिवाइड बाई 2 + 1 हो गया 3। ये हो गया 1 - 2/3, हो गया -1/3, वो दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -1/3। इसी तरह हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। वो जहाँ पर सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉडीज लाई करेगा, उसका हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकालना, तो हम अब निकालेंगे वाई कोऑर्डिनेट। सो वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, दैट इज वाई जो है m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर सिमिलरली हम दिया एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, हमने x1 और x2 का वैल्यू दिया था और m1 m2 का वैल्यू दिया था इधर, और यहाँ पर निकला हमें एक्स कोऑर्डिनेट।
अब हमें y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम m1, m2 और y1, y2 का हम यहाँ पर वैल्यू दे देंगे, y1 और y2, सिमिलरली m1 और m2 का वैल्यू इसमें दे देंगे, वहाँ से निकलेगा हमें y कोऑर्डिनेट। सो बच्चों हमें पता है m1 बराबर है 1 kg, y1 बराबर है 2, यहाँ से y1 बराबर है 2, कोऑर्डिनेट जो है y1 2 है। इसी तरह m2 बराबर है 2 kg, मास ऑफ द सेकेंड पार्ट सेकेंड बॉडी इंटू वाई टू, वाई टू बराबर है 3, क्योंकि वाई टू जो कोऑर्डिनेट है 3 है। सो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये हमारा सिटी बन गया वाई इज इक्वल टू वन इंटू टू, वन इंटू टू, वन के जी इंटू टू है वाई वन कोऑर्डिनेट प्लस टू, टू के जी मास ऑफ द सेकेंड बॉडी है इंटू थ्री है वाई टू कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई वन प्लस टू, वन के जी प्लस टू, एम वन प्लस एम टू, वन के जी प्लस टू के जी हो गया 3, ये बनेगा 3 टू 6, 6 प्लस 2 हो गया 8, बनेगा 8 बाई 3। सो ये निकला हमें y कोऑर्डिनेट। सो बच्चों यहाँ से हमें निकला x कोऑर्डिनेट, x इजकल माइनस 1 बाई 3, और यहाँ से निकला y कोऑर्डिनेट, y इजकल 8 बाई 3। तो क्योंकि x y हमने किया था सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉडीज हैविंग मास 1 kg एंड 2 kg, सो द सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर माइनस 1 बाई 3 एक्स एंड वाई 8 बाई 3। ये रहा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, ये निकालने थे हमने कोऑर्डिनेट्स, द टू बॉडीज ऑफ मास 1 के जी एंड 2 के जी आर लोकेटेड एट 1, 1, 2 एंड -1, 3 रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये हमने निकालना बाई पुटिंग द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ द जो भी वैल्यूज दिए गए थे m1, m2, x1, x2, इसी तरह m1, m2, y1, y2, वहाँ से हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकला, और यहाँ से ये निकला हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये आपको पता चलेगा कि कैसे सेंटर ऑफ मास पर आपका कैलकुलेट कैसे करते हैं और कोऑर्डिनेट्स भी कैसे निकालते हैं, ये आपको इस प्रॉब्लम को करने से आपको पता चलेगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। सो लेट्स टेक वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये आया भी है इंजीनियरिंग कॉलेज में केरला में 2002 में। इन द एच सी एल मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एच सी एल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन द एच सी एल मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द टू एटम्स इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है 10^-10 मीटर। सो यहाँ पर दिया है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है ये 10^-10 मीटर। सो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो दिया है, वो डिस्टेंस दिया है 1.27 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है 10^-10 मीटर। द अप्रोक्सीमेशन लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइड्रोजन इज assuming the chlorine atom to be about 30.35.5 times massive as hydrogen, तो हमने निकालना है approximate location of the center of mass of the molecule from hydrogen, तो हमने निकालना है इस problem में approximation location of the center of mass of the molecule from hydrogen is assuming the क्लोरीन एटम टू बी अबाउट 35.5 टाइम्स मैसिव एज हाइड्रोजन। सो बच्चों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इन चार आंसरों में से हमने बोलना कौन सा आंसर है, तो यहाँ पर सी पार्ट है तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे सी पार्ट कैसे है। सी पार्ट है 1.24 एंगस्ट्रॉम, तो हम इसमें ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे है। सो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, ये क्लोरीन एटम है, क्लोरीन का जो मास है 35.5 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो हमने बताना है अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम हमने निकालना है। सो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी गिवन 1.27 एंगस्ट्रॉम डिग्री एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान हमें दिया है डिस्टेंस, सो हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
दैट इज एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू इंटू आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल टू एटम्स। सो ये बनेगा सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइड्रोजन एटम दैट विल बी गिवन बाई एम टू। एम टू बराबर 35.5 डिवाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज वन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एम वन दैट इज वन प्लस एम टू है 35.5 मल्टीप्लाई बाई 1.27, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इज 1.27 एंगस्ट्रॉम डिग्री एंगस्ट्रॉम। सो इसको कैलकुलेशन करने के बाद वी गेट द वैल्यू एज सो सेंटर ऑफ मास वो निकलेगा बराबर 35.5 डिवाइड बाई 36.5 इंटू 1.27। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये यहाँ पर निकला सेंटर ऑफ मास निकला 1.24 डिग्री एंगस्ट्रॉम। सो बच्चों यहाँ सेंटर ऑफ मास की कितना निकला 1.24 डिग्री एंगस्ट्रॉम। यहाँ से हमने निकालना था कि ये था ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एच सी एल द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लिय ऑफ टू एटम्स इज अबाउट, गो ये एटम और ये एटम इनका जो न्यूक्लिय है दैट इज सेपरेटेड बाई गो डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लिय इज 1.27 डिग्री एंगस्ट्रॉम। हमने बताना था द अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम एज्यूमिंग द मास ऑफ द क्लोरीन एटम टू बी एज 30.55 मैसिव देन द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम का मास है 1, दैट इज एम1 बराबर है 1। क्लोरीन का एटम है एटम का मास है 35.5। तो ये हमने निकाला यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज गिवन बाई इट बाई एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू इंटू आर। एम टू एम वन एंड एम टू आर द मासेज ऑफ द टू एटम्स एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लिय ऑफ द टू एटम्स। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एम टू एम वन एंड आर वी गेट 35.5 डिवाइड बाई 1 प्लस 35.5 इंटू 1.27। आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल 1.24 डिग्री एंगस्ट्रॉम। सो बच्चों इसमें हमने निकालना था सेंटर ऑफ मास अप्रॉक्सिमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। These are very important numericals, multi-choice questions. You have to repeat the videos one or two times for your best, better understanding. And you consult your study material also. You will be able to understand in a better way. Thank you very much.